हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की, और ये रीजनिंग के प्रश्न आगे होने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैन मैन बराबर 56 तथा RUN रन बराबर दिया गया है 106 हो, तो SUN सन निम्नांकित में से किसके बराबर होगा। और दोस्तों, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है अल्फ़ाबेटिकल नंबर और यहाँ पर आपको दिया गया है गणित के अंक, तो इसका इससे क्या रिलेशन बन रहा है और इसका इससे क्या रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन आपको SUN का निकालना होगा। तो दोस्तों, क्या संबंध बनेगा वो चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ दिया गया है MAN, तो आप यहाँ पर लिखिए MAN, लिख लिया। अब आपको चेक करना है दोस्तों, जैसे ABCD में ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, ई पाँचवें नंबर पर आता है, उसी तरह से एम कितने नंबर पे आता है। एम आता है दोस्तों आपका 13वें नंबर पर, 13वें नंबर पे आपका एम आता है, ए आता है आपके पहले नंबर पर और एन आता है आपके 14वें नंबर पर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी को आप सिंपली प्लस कर लीजिए। जब आप इन सबको प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा, 13 × 1 = 14, 14 × 2 = कितना हो जाएगा दोस्तों, 28, 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 56 है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 56 मिल जाएगा। ये रिलेशन आपका बन रहा है, जो दिया गया है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 56 मिल जाएगा। वही आप यहाँ देखिए, दिया गया है RUN, R कितने पर आता है दोस्तों आपका 18वें नंबर, 18 लिखिए। उसके बाद U कितने नंबर पर आता है दोस्तों, U लिखना है आपको 21वें नंबर पर आता है, 21 लिखिए। N आता है आपके 14वें नंबर पर, तो आप इन सबको क्या कर दीजिए, प्लस। जब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 106 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो ये तरीका बिल्कुल सेट हो रहा है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमें ये निकालना होगा। तो यहाँ पर दिया गया आपका दोस्तों S, यहाँ पर लिखिए SUN लिखना है हमें। S कितने भी नंबर पर आता है दोस्तों, S आता है आपका 19वें नंबर पर, तो आप 19 लिखिए। U आता है आपका 21वें नंबर पर, तो आप 21 लिखिए। और N आता है 14वें नंबर पर, इन सबको आप प्लस कर दीजिए। जब इन सबको आप प्लस कर देंगे तो ये होता है 54, और जब 54 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा 108। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं देता है, जो ऐड करके आया है वही आपका आंसर होता है। तो इस ट्रिक से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जब रीजनिंग के इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए। कभी कभी दिया जाएगा यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए दिया गया है, डिवाइड करने के लिए भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस तरह के मेथड भी इस्तेमाल होते हैं रीजनिंग में, और रेलवे ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BROWN को NWORB लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में KNOWN को क्या लिखेंगे। और यह है दोस्तों आपके चार ऑप्शन। तो इसका मतलब पूछा गया है BROWN को क्या लिखा गया है दोस्तों, NWORB। तो जो रिलेशन इसका इससे बन रहा है, वही रिलेशन हमें यहाँ पर इसका फाइंड करना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर चेक करेंगे, ये लिखा हुआ है BROWN, और यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में शब्द दिया गया है आपका बी, वो यहाँ पर दिया गया है लास्ट में, और जो दूसरे नंबर पर है वो सेकंड लास्ट है, जो तीसरे नंबर पर वो पीछे से तीसरे नंबर पर है, और जो चौथे नंबर पर है वो पीछे से चौथे नंबर पर है, और जो लास्ट में दिया गया है वो है आपका पहला नंबर। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको ये जो दिया गया है इसका उल्टा करके ही ये लिखा हुआ है। जैसे जो यहाँ पर लास्ट में है वो पहले नंबर पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये दे रखा है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर, जो तीसरे नंबर पर दे रखा है वो यहाँ तीसरे पर है, जो चौथे पर है वो यहाँ चौथे पर, जो पाँचवें पर है और यहाँ वो पाँचवें नंबर। इसका मतलब उसका उल्टा कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी उसका उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया आपको KNOWN, तो इसका भी आप उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसके यहाँ पर पहले आ रहा, तो इस लास्ट का यहाँ पर भी पहले ही आएगा N, ठीक है। अब इसका आएगा फिर W, पीछे से लिखेंगे W, फिर लिखेंगे O, फिर लिखेंगे N और फिर लिखेंगे K। इसी तरह से यहाँ पर लिखा, उसी तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया, तो NWON K ये आपका निकल के आया है। तो इसे आप चेक करेंगे चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा दे रखा है, तो NWON K ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आपको पूछा गया है इसका इससे क्या संबंध बना है, ये इसका उल्टा लिखा गया है, तो आप इसका भी उल्टा लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम का मतलब है दोस्तों सीरीज में लगाना। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है घी, दूध, दही, गाय, मक्खन, तो इसको आपको सीरीज में लगाना है, और ये हैं आपके चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही होगा।
तो आप यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों, घी दूध दही गाय मक्खन में से सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, गाय आएगी। तो गाय कौन सा दे रखा है आपको, डी, मतलब चौथे नंबर पर दे रखा है आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 4, सबसे पहले गाय आएगी, उसके बाद गाय दूध देगी, तो दूध आपको 2 नंबर पर दे रखा है तो आप 2 लिख लीजिए। उसके बाद दूध के बाद दही बनाते हैं दोस्तों, दही आपको तीसरे नंबर पर दे रखा है तो 3 के लिए 3 लिख लीजिए। दही के बाद दोस्तों मक्खन बनता है, तो यहाँ पर मक्खन कितने पर दे रखा है, 5 पे, तो आप यहाँ पर 5 लिख लेंगे। और उसके बाद बनता है आपका लास्ट में घी, तो घी कितने पर आता है, पहले नंबर पर। तो इस तरह से आप इसको सेट करेंगे, सबसे पहले गाय आती है, गाय दूध देती है, उसके बाद दही बनता है, दही के बाद मक्खन बनता है, उसके बाद घी बनता है, ये सीरीज में आपको लगाना है। अब आप इसे चेक कीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 4, 2, 3, 5, 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका मिल रहा है इससे जो हमने सीरीज में लगाया है उससे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज में लगाने वाले, तो इस तरह से आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 18, 9, 81 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 23, 8, यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा फाइंड करने के लिए, 24, 7 और 93, और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। तो जो रिलेशन इसमें और इसमें बन रहा होगा वही रिलेशन दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है, यदि आपको इसका कोई दूसरा तरीका पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे जो तरीका मालूम है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 18, तो लिखिए यहाँ पर आप 18 लिख लीजिए, 18, 9 दिया गया है, 9 लिखिए, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 18 को और 9 को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए दोनों को आपस में, तो कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, और फिर 27 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको 81 मिल जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। वही आप यहाँ पर करके दीजिए, 24 प्लस 7 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31, और जब 31 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 93 जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो सिंपल जो इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है उनको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये नीचे वाली संख्या हमको फाइंड हो रही है, तो वही यहाँ पर करेंगे, देखिए 23 दिया गया है, प्लस कर देंगे उसमें 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31। अब 31 का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, बड़ी आसानी से आप इसे समझ जाएंगे, इन दोनों का प्लस किया मल्टीप्लाई किया 3 से 81 आ गया, इन दोनों का प्लस किया मल्टीप्लाई किया 3 से तो यहाँ पे भी दोस्तों 93 आएगा, यहाँ पे भी 31 और 3 का मल्टीप्लाई 93 आएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर 93 आ गया यहाँ पर 81 आ गया तो इन दोनों में से आपका आंसर नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर 93 दिया गया है ऑप्शन में तो वो भी आपका आंसर हो सकता है, बस आपको ट्रिक फाइंड करनी है क्या तरीका इसमें लग रहा है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।